नमस्कार दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवें वनडे मैच में हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ पारी खेली है। इस मैच में जब ज्यादातर भारतीय दिग्गज बल्लेबाजों ने अपने फैंस को निराश किया और टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति में पहुंचाया, तो वहीं पांड्या उन कुछ बल्लेबाजों में रहे जिन्होंने टीम को मुश्किलों से उबारा। इस मैच में पांड्या अंबाती रायडू के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने आते ही धमाकेदार शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। पांड्या ने भारतीय पारी में एक फिनिशर की भूमिका निभाते हुए 18 गेंदों में 45 रन की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 2 चौके और 5 लंबे छक्के भी जड़े। इस बेहतरीन पारी के दौरान पांड्या ने 47वें ओवर में टॉड एस्टल की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े। इस ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने डिफेंस किया। इसके बाद पांड्या ने दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 3 छक्के जड़ दिए। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पांड्या ने वनडे क्रिकेट के एक ओवर में लगातार 3 छक्के जड़े हों। इससे पहले 2017 में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े थे। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल मुकाबले में भारत की पारी के 23वें ओवर में शादाब खान की 3 गेंदों पर 3 दमदार छक्के लगाए और इस ओवर में 23 रन बटोरे। आपको याद दिला दें कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में जब भारतीय टीम लीग मैच में पाकिस्तान से भिड़ी थी, उस मैच में भी हार्दिक पांड्या ने लगातार 3 छक्के जड़े थे। उस मैच में भारतीय पारी के 50वें ओवर में पांड्या ने ये कमाल किया था। अब एक बार फिर हार्दिक पांड्या ने ऐसी ही एक जबरदस्त पारी खेलकर टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से उभारा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हार्दिक पांड्या के इस बेहतरीन पारी के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें और क्रिकेट जगत की हर ताजा खबर के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक7 यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।